नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन के बाद ममता ने ये एक्शन लिया। शायद वो सोच रही होंगी कि वैसा ना करें, उन्हें बचा लें। दरअसल बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से लगभग 28 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना जब्त किया। कैश के बारे में ईडी के सवाल पे अर्पिता ने कहा कि ये सारे पैसे पार्थ चटर्जी के हैं। पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे और उन्हें ये अंदाज नहीं था कि घर में इतना सारा कैश रखा होगा। इससे पहले शनिवार को ही छापेमारी में अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली थी। अर्पिता के घर से करोड़ों के कैश और ज्वेलरी मिलने के बाद टीएमसी में पार्थ चटर्जी को हटाने की मांग उठने लगी थी और गुरुवार को यानी कि आज यानी कि 28 जुलाई को ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त भी कर दिया। लेकिन उन्होंने साथ में एक गंभीर टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि पार्थ पर कार्रवाई के बाद उन्होंने ये कहा कि पूरा मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। सिर्फ एक लड़की के घर से रुपए बरामद हुए हैं। पार्थ को इसलिए हटाया क्योंकि टीएमसी भ्रष्टाचार के मामले में बेहद सख्त है, इसे बदला नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ा गेम है जिसके बारे में अभी वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। उनकी टिप्पणी चाहे कोई भी हो, उनका कमेंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी दोस्त, उनकी करीबी अर्पिता के पास इतना रुपया आया कहाँ से? इस घोटाले का इतना लेट क्यों पता चलता है? क्या कोई था जो उन्हें बचा रहा था? पर क्यों इतना कैश घर पे क्यों रखा था? कैश मामले में कोई साजिश है? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने से पहले हम ये समझते हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है। दोस्तों, ये घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन SSC ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में भर्ती निकाली थी। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे और इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दर्ज हुई। जो शिकायतें हुई उनमें सबसे पहले जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर स्थान मिला। कुछ उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद उन्हें नौकरी दी गई। ऐसे भी कुछ उम्मीदवार थे जिन्हें नौकरी दी गई जिन्होंने TET की परीक्षा तक पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए TET की परीक्षा का पास होना बेहद जरूरी होता है नियमानुसार। इसी तरह से राज्य में 2016 में SSC द्वारा ग्रुप डी की करीब 13,000 भर्ती के मामले में शिकायतें मिली थी और फिर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CBI की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ED ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की भी जांच की थी। CBI ने इस मामले में 18 मई को पार्थ चटर्जी से पूछताछ की थी। ED ने इस मामले में इस साल 2022 में यानी कि मई में जांच शुरू की थी। दोनों के बैंक अकाउंट खंगाले गए और इनकी प्रॉपर्टीज में उनकी डिटेल निकाली गई। करीब 2 महीने तक दोनों से संबंधित तमाम दस्तावेज इकट्ठे किए गए। ED ने 22 जुलाई को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। पार्थ के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ED ने अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज खंगाले, उन्हें वो सब वहाँ मिले थे। इसके बाद ED के
रडार पे अर्पिता मुखर्जी आ गई। जब ईडी ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा तो करीब 21 करोड़ रुपए कैश मिले और 60 लाख की विदेशी करेंसी भी, 20 फोन और कई दूसरे दस्तावेज मौके से उन्हें मिलते हैं। अर्पिता वैसे एक मॉडल है पेशे से और बंगला और ओडिशी फिल्म में छोटे मोटे रोल करती थी, लेकिन इतना पैसा वो नहीं कमा सकती जितना पैसा उनके घर से मिला। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अर्पिता पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा में ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि पार्थ की करीबी अर्पिता के पास इतने रुपए कहाँ से आए? वो ऐसे कौन सा व्यापार कर रही थी जिसमें उन्हें इतनी आमदनी होती थी? क्या ये रुपए पार्थ के हैं? क्या ये रिश्वत की कमाई है, या ये पैसे से पैसा बनाया गया है, या सारी प्रॉपर्टी किसी मद में दूसरे चीज़ों से जुड़ी हुई है, ये सोना किसका है? तमाम सारे सवाल हैं। और इसी के बाद ईडी ने बुधवार को अर्पिता के दूसरे ठिकानों पे छापा मारा। ईडी को अर्पिता के घर से 27 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं और ईडी को करीब 4.5 करोड़ रुपए का गोल्ड भी मिला है। इससे पहले 21 करोड़ रुपया कैश मिला था, जैसे कि मैंने आपको बताया। ईडी ने इस मामले में अब तक पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य से पूछताछ की है, यानी कि पार्थ चटर्जी इस समय गिरफ्तार हैं, अर्पिता पे नज़र है और अब मानिक भट्टाचार्य भी टारगेट पे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के शिक्षा सचिव मनीष जैन से भी सीबीआई ने हाल ही में पूछताछ की है। इस मामले में राज्य के एक और मंत्री परेश अधिकारी से भी पूछताछ हुई है। इतना ही नहीं, उनकी बेटी टीचर की नौकरी भी चले गई और ये भी आरोप है कि अंकिता अधिकारी को नियमों को ताक पे रख करके नौकरी दी गई। तो दोस्तों, इस तरीके से अभी भी कई सवाल उलझे हुए हैं जिनके धीरे धीरे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन आज ममता बनर्जी ने थोड़ा दिल बड़ा करके अपने कैबिनेट के मंत्री पार्थ चटर्जी को आखिरकार हटा ही दिया। तो दोस्तों, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस कंटेंट पे मेरी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।